हेलो दोस्तों, आईएएस फील्ड में आई हुई जॉब डिप्लोमा और आईटीआई वाले अप्रेंटिस के लिए जो जॉब आई हुई है उसका फॉर्म कैसे भरें वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। थोड़ी ब्राइटनेस कम है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 तारीख से फॉर्म फिल 4 का और 21 तारीख लॉट डेट है, डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले भर सकते हैं। और चलिए अब ऑफलाइन ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड करना है आपको, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन सिविल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ये कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लोकेशन, किस लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अपना नाम इसमें डालना होगा, उसके बाद अपने पिता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी, इसमें कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे आधार नंबर ज़रूरी है, ये स्टार बना हुआ है, जिस पे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी होता है। पैन कार्ड नंबर ये भी जो है मैंडेटरी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। और एग्ज़ाम सिटी आप कहाँ डालना चाहते हैं, एग्ज़ाम सिटी चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर यहाँ पे है। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ऐसे करके जो है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्टेट कौन से स्टेट से हैं आप, पिन कोड, उसमें सारा भरने के बाद यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे तो सेम एड्रेस सारा यहाँ पे आएगा, इसमें फिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा आपको, और लिखा हुआ यहाँ पे 0 या +91 नहीं लगाना है। एक बार और नंबर डाल के कन्फर्म करना होगा, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना होगा आपको कि मैंने सारे ऊपर की जो भी है ब्लैंक्स मैंने भर दिए हैं। यहाँ पे हाई स्कूल का, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग ईयर, ठीक उसी तरह से 12। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपकी है, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी है वो सेलेक्ट करके ठीक वही भरना है इसमें भी। उसके बाद इन सारे पे जो है टिक करना होगा आपको, ऐसे टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ जो है 50 के भी मैक्सिमम होना चाहिए, साइज 165x125 पिक्सल JPG या JPEG फॉर्मेट में रहे चल जाएगा दोनों। और यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है आपको, फिर यहाँ पे सिग्नेचर 20 के भी, अधिक से अधिक 20 के भी हो, 80x125 पिक्सल का होना चाहिए फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड कर देना है इसको भी, और यहाँ से ओके कर देना है। तो उसके बाद जो है यहाँ से फॉर्म जो है नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फॉर्म आपका भर जाएगा। अगले स्टेप में जो है कुछ और डिटेल होंगी, उसको फिल करके आप सबमिट कर दीजिएगा, बस इतना ही करना। आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं, ये फॉर्म फ्री है, भर दीजिए। अगर एग्ज़ाम देने जाने का मन करेगा जाइएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। आगे की वीडियो का अपडेट पाने के लिए घंटी ज़रूर दबा दें।